हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। इफ वाई इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स चेंज फ्रॉम पाई बाई टू टू 22/14, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। वाई में अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होगा वो बताना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे चेंज इन एक्स, एक्स में कितना चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एक्स होगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 22 वाई में 14 और माइनस का पाई बाई टू। हमारे पास फंक्शन दिया है वाई इक्वल टू में साइन एक्स, तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई टू पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू अगर पाई बाई टू लेते हैं तो कॉस पाई बाई टू इसका जीरो हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, क्योंकि डेल्टा वाई होगा और एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में यहाँ पर डेल्टा एक्स के, तो ये तो है जीरो और इंटू में 22/14 और माइनस का पाई बाई टू, यानी कि जीरो आ जाएगा। यानी ये जीरो आने का मतलब वाई में चेंज जीरो है, यानी लिख सकते हैं नो चेंज, नो चेंज लिख सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2।